गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हिप ज्वाइंट एंड नी ज्वाइंट, साथ ही इसकी साथ जो मसल्स वर्क करती हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हिप ज्वाइंट, द हिप ज्वाइंट इज ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट फ्रेम्ड बाय एन आर्टिकुलेशन बिटवीन द पेल्विक एंड द हेड ऑफ फीमर। इट इज फॉर्म ए कनेक्शन फ्रॉम द लोअर लिम टू पेल्विक ग्रेड एंड दिस इज डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी एंड वेट बियरिंग रेदर देन ए लार्ज रेंज ऑफ मूवमेंट। हिप ज्वाइंट ये आपका मिड पॉइंट बोला जाता है जो कि आपके अपर लिम से लोअर लिम को जोड़ता है। हिप ज्वाइंट का अगर फिगर देखें हम तो इसमें दिख रहा है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है और फीमर है उसके बीच को ये कनेक्ट करता है। फीमर ज्वाइंट ये दोनों के बीच में एक पेल्विक बोन होती है जो कि मल्टीपल एंगल की होती है और इस पे आपका पूरा अपर लिम का वेट डिपेंड करता है या इसके ऊपर बियर करता है। ये एक माध्यम है और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ज्वाइंट भी बोला जाता है। यहाँ पे हम देखें तो ये पेल्विक बोन जो है ये मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो मेल की अपेक्षा फीमेल का पेल्विक थोड़ा सा ब्रॉड होता है। यहाँ पे पेल्विक बोन का अगर फिगर हम जो देख रहे हैं इसमें हिप सॉकेट, हेड ऑफ फीमर, नेक ऑफ फीमर और पेल्विक बोन का जो सॉकेट है उसमें जो आपके फीमर का हेड है वो जाके ज्वाइंट हो। इसको अगर मूवमेंट वाले ज्वाइंट में देखें तो इसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं जिसका मूवमेंट चारों तरफ हो सकता है। द आर्टिकुलेबम इज कैप लाइक डिप्रेशन डेकेड ऑन द हिप मसल्स। द हिप ज्वाइंट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल ज्वाइंट इन द इंटर ह्यूमन बॉडी। मेनी मसल्स ऑफ द हिप प्रोवाइड मूवमेंट स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू द हिप ज्वाइंट एंड द बोन ऑफ द हिप एंड हिप। यहाँ पे जो हम मसल्स के बारे में देख रहे हैं फिगर में, इसमें आपका पेल्विक को ऊपर की ओर से आपका रेक्टस फेमोरिस, पेक्टोरियस मेजर ये मसल्स होती हैं। पीछे से देखें जो हमारी सबसे मोटी मसल्स होती है उसको बोलती हैं ग्लोटियस मैक्सिमस। और नीचे की ओर से जो हमारी फीमर बोन के ऊपर अगर अपर पार्ट से देखें तो हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल्स, इसमें 7 मसल्स होती हैं। और पीछे की ओर से देखें तो वहाँ पे क्वाड्रिसेप मसल्स होती है जिसमें कि 5 मसल्स होती है। टोटल मसल्स 12 होती हैं थाई में। और इसमें आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जो हम मूवमेंट करते हैं उसमें ये मसल्स हमारे लिए एक स्ट्रेंथ या पावर प्रदान करती हैं, जबकि जो बोन है वो एक लीवर का काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ हिप ज्वाइंट एंड देयर रिलेटेड मसल्स आर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडेक्शन, अबडेक्शन, लेटरल रोटेशन, मिडल रोटेशन। इसमें मसल्स के जो नाम दिए हैं जैसे फ्लेक्शन, जहाँ पे कि हम बॉडी को, यहाँ पे आपको फ्लेक्शन दिखाई दे रहा है जब हम बॉडी को आगे की ओर लेके जाते हैं या पैर का मूवमेंट आगे की ओर होता है तो वो एक्सटेंशन मूवमेंट होगा, और जब हम पैर को पीछे की ओर लाते हैं तो वो फ्लेक्शन मूवमेंट होगा। इसी प्रकार हम फ्रंट साइड से देखें तो यहाँ पे अडेक्शन और अबडेक्शन के मूवमेंट दिखाए गए। साथ ही साथ पेल्विक के साथ फीमर का जो मूवमेंट दिखाया जा रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, इसके बारे में भी यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है या साइड वाइज हम जो मूवमेंट करते हैं उसके बारे में बताया गया है। अब देखते हैं हम नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वाइंट इन द ह्यूमन बॉडी। द नी ज्वाइंट इज बाइक्लोडर
टाइप साइनोवियल ज्वाइंट इट ज्वाइंट द थाई विथ लेग एंड कंसिस्ट ऑफ टू ज्वाइंट्स वन बिटवीन द फीमर एंड टीबिया फिबुला एंड वन द बिटवीन द फीमर एंड पटेला इन द लार्जेस्ट ज्वाइंट इन योर बॉडी इट प्रोवाइड मेनी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग वॉकिंग रनिंग सिटिंग स्टैंडिंग जंपिंग मेनी एक्टिविटी आर कंडक्ट बाई द नी ज्वाइंट अगर इसको हम देखें टाइप्स ऑफ ज्वाइंट में तो इसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं क्योंकि इसका मूवमेंट सिर्फ एक ही तरफ होता है यानी कि हम अपने नीज को सिर्फ पीछे की ओर ले जा सकते हैं और आगे की ओर ले जाने में दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे पटेला ब्लॉक कर देता है। अगर फीमर इसमें जॉइंट्स का हम फिगर देखें तो हमारे जो थाई बोन है इसको फीमर बोन बोलते हैं लार्जेस्ट बोन इन बॉडी और नीचे की ओर से जो आपके नी के नीचे का पार्ट है वहाँ पर डबल बोन होती है जिसको बोलते हैं टीबिया एंड फिबुला जिसमें टीबिया मेजर एंड फिबुला माइनर बोन होती है। यहाँ पे दोनों बोन्स को लीगामेंट के माध्यम से जोड़ा जाता है जिसको बाइसेप्स फीमोरिस टेंडन बोलते हैं और साथ ही साथ ट्रांसवर्स लीगामेंट के द्वारा इसमें दोनों बोनों के बीच में जो एक गद्देदार जगह होती है उसको टीबिया फ्लेक्टर लीगामेंट बोलते हैं। अब देखते हैं नी मसल्स नी मसल्स प्रोवाइडिंग ज्वाइंट एक्शन एट द नी ज्वाइंट आर द क्वाड्रिसेप्स मसल्स वेक्टस मिडिलेस वेक्टस इंटरमीडियस एंड रेक्टस फीमोरिस एट द फ्रंट विद द हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हमारे पीछे की ओर से आती है और ये हमारे पीछे को नी से ज्वाइंट करती है और नीचे की ओर जो हमारी कॉफ मसल्स है इसमें तीन मसल्स होती हैं जिसमें कि ग्लूटियस मैक्सिमस सोलियस और पेंटेरियस। यहाँ पे इससे रिलेटेड हमने कुछ होमवर्क तैयार किया है। इनलिस्ट द फोर मसल्स ऑफ नी ज्वाइंट। सेकंड क्वेश्चन है मेंशन द फाइव मसल्स ऑफ हिप ज्वाइंट एक्सप्लेन द आर्टिकुलेशन ऑफ नी ज्वाइंट एंड फोर्थ क्वेश्चन है हाउ द लीगामेंट ऑफ नी ज्वाइंट असिस्ट द मूवमेंट ऑफ लेग एंड लास्ट क्वेश्चन विच मसल्स आर इन्वॉल्व इन फ्लेक्शन ऑफ नी ज्वाइंट। थैंक यू वेरी मच।